तो अभी आपने सुना जहां बिहार विधानसभा सत्र की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन इस दौरान हंगामा भी सुनने को मिला। तो चलिए अब रुख करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। नोकिया के सीईओ पेक का लुंडामार्क से पीएम मोदी की मुलाकात। डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की प्रगति पर हुई चर्चा। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को लेकर असम सीएम शर्मा का बयान, बोले मुकरोह गांव असम का हिस्सा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आपका हस्ताक्षर अभियान, मंत्री गोपाल राय बोले सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई का उठाया मुद्दा। आप विधायक आतिशी ने उपराज्यपाल पर कसा तंज, बोले पीएम ने उपराज्यपाल से सब्सिडी बंद करवाई। राहुल गांधी पर भड़के हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के लिए आते हैं और लंदन में वो भारत तोड़ो की बात करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पीके कृष्णदास ने केरल सीएम पर कसा तंज, कहा सीएम ने सशस्त्र बलों को शर्मिंदा किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केंद्र पर बरसी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, बोली बीजेपी का मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नहीं बल्कि भाजपा राष्ट्र बनाने का है। कर्नाटक कांग्रेस में शामिल हुए कडलूर उदय गौड़ा, 2019 में ऑपरेशन कमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का था आरोप। एचडी कुमार स्वामी ने साफ किया आरोप, कहा कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के साथ मेरा अनुभव बुरा रहा है। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से मिले शुभेंदु अधिकारी, बोले कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी विधायक भूख हड़ताल करेंगे। एफएटीएफ की रिपोर्ट को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, पूछा क्या पैसे और पेंटिंग के बदले दिए जा रहे थे पद्म भूषण। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता का अहम कदम, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नियम 165 के तहत प्रस्ताव पारित किया। टीएमसी नेताओं को लग सकता है बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 800 से ज्यादा लोगों की नौकरी गई। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का 80 साल की उम्र में निधन, ब्रेन स्ट्रोक का चल रहा था इलाज। गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर शिकंजा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बोला सरकार पर हमला, बोले भाजपा में ईडी और सीबीआई को बनाया गया हथियार। रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के दोस्तों पर 25,000 का इनाम, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुई थी एफआईआर। चित्रकूट में 15 किलोमीटर लंबा बनेगा बाईपास, महोबा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा, लोगों को मिलेगी जाम से निजात।
संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान, बोले मुसलमानों के घर घर जाकर वोट मांगने की बात कर रही है भाजपा। अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया लेकिन इस शहर में घूम रहे हैं सांड। कानपुर में दबंगों की पिटाई से घायल युवक की मौत पर हंगामा, बीच सड़क पर शव रख कर 3 घंटे तक किया गया प्रदर्शन। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से लुटेरा हुआ घायल, मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने दबोचे 2 बदमाश। गाजियाबाद में डॉक्टर्स की बेटी के किडनैप की कोशिश, संदिग्ध को पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस ने बचाया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से दवा फैक्ट्री मालिक की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर, जौनपुर में आयुर्वेदिक तेल बनाते समय हुआ था हादसा। कानपुर में सड़क हादसे में 1 की मौत, 4 घायल, पिकअप और वैन की आमने सामने हुई टक्कर से गई जान। ₹69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने चयन सूची को किया रद्द, रिव्यू करने का आदेश दिया। आगरा मिसाले ने जीजा की हत्या की, बहन से लव मैरिज करने के बाद रंजिश मनाता था, आधी रात सोते समय मारी गोली। बेटी की हत्या करने वाले पिता ने भी दी जान, इंस्टा पर लड़के के साथ रील देख बेटी को मारी थी गोली। अबुधाबी में देवरिया के युवक की हुई मौत, 1 हफ्ते बाद गांव आया शव, ब्रेन हैमरेज होने से 3 दिन अस्पताल में था भर्ती। हरदोई में एनकाउंटर से डरे कैदी ने किया हंगामा, बोला सीएम ने पुलिस को कौन सी बूटी सुंघाई। कानपुर देहात में कार और ऑटो के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, पिता पुत्री की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, जिला अस्पताल किया गया रेफर। उन्नाव में शादी समारोह में डीजे पर हर्ष फायरिंग, डीजे पर डांस कर रहे लोग सहमे, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटे। अमरोहा में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, 4 साल पहले हुई थी शादी। रात में निरीक्षण करने निकली बरेली की कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, अफसरों से पूछा कि कतूबखाना फ्लाईओवर कब तक पूरा होगा। हापुड़ में गारमेंट व्यापारी से बदमाशों ने की लूटपाट, तमंचा लगाकर सोने की चेन और नकदी छीनकर हुए फरार। हरदोई में शैलेंद्र सिंह भवानी हुए गिरफ्तार, हत्या के मामले में चल रहे थे फरार, 2012 में बीजेपी सिंबल से लड़े थे विधानसभा का चुनाव। ललितपुर में कुएं में मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई गिरने की आशंका, खेत में तार बाड़ी करने को गया था। अलीगढ़ के NH91 पर खराब ट्रैक्टर के पीछे खड़ी रोडवेज बस में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, बच्चों समेत दर्जन भर यात्री घायल। हरदोई में मंदिर की जमीन पर दबंग, जबरिया करा रहे निर्माण, न्यायालय में मामला विचाराधीन, फिर भी निर्माण कार्य जारी।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से मचो हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काट करके निर्मम हत्या। निर्वस्त्र हालत में फेंकी लाश, हत्यारा पति गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पुलिसिया सिस्टम की कार्यशैली से नाराज मृतक के परिजन। परिजनों ने शव रखकर चौराहे पर किया हंगामा। अलीगढ़ के नगर निगम के प्लास्टिक के पाइपों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक की मौत, कई घायल। अयोध्या हाईवे पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। उत्तराखंड में दिल्ली से चंडीगढ़, जयपुर और देहरादून के लिए ई बस सेवा शुरू। 50 बसें रोज करेंगे आवागमन। उत्तराखंड में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू। देश में कहीं भी ले जा सकेंगे इमारती लकड़ी। उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर काम शुरू। निजी टूर ऑपरेटर की तर्ज पर ट्रैकिंग कराएगा वन विभाग। उत्तराखंड में हाईवे किनारे मिला 81 वर्षीय वीरांगना का शव। शरीर से गहने थे गायब, परिवार में मचा कोहराम। उत्तराखंड में भाकरो टाइगर सफारी मामले में एनजीटी ने प्रधान पीठ को सौंपी रिपोर्ट। कटघरे में आए कई अफसर। उत्तराखंड में गढ़वाल में ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी। बागेश्वर में जमकर हुई ओलावृष्टि। उत्तराखंड के रुड़की में ट्रैक्टर से टक्कर होते ही आग का गोला बनी। दिल्ली से आ रही कार लपटे देख मची अफरा तफरी। दसवीं और बारहवीं की फर्जी मार्कशीट बेचने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 8 से 10 हजार में करता था सौदा। उत्तराखंड में प्रेमी ने बेरहमी से की प्रेमिका के नाबालिग भाई की हत्या। बहन ने बनाई थी पूरी योजना, घर में शव को दफनाया। अंकिता हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया 2 हफ्ते का समय। H3N2 को लेकर उत्तराखंड शासन ने कसी कमर। सभी जिलों में जारी की 11 बिंदुओं पर गाइडलाइंस। हर घर नल से जल पहुंचाने की 17,000 योजनाओं पर केंद्र की मुहर। टेंडर निकालने की कवायद तेज। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हल्द्वानी के लैब में 2 मरीजों में हुई H3N2 वायरस की पुष्टि। सिलिकॉन वैली बैंक के सवाल पर पत्रकारों को जवाब दिए भी नहीं। कॉन्फ्रेंस से चले गए राष्ट्रपति बाइडेन।
पेरिस की सड़कों पर कचड़े कम, बार सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट एज बढ़ाने के खिलाफ हड़ताल पर है, एक हफ्ते से कूड़ा नहीं उठाया गया। अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से भड़का उत्तर कोरिया, दागी छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। ऑस्ट्रेलिया से पहली बार तकनीक साझा करेगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जल्द खरीदेगा अमेरिकी परमाणु संचालित पनडुब्बियां। ब्रिटेन ने पहली बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन, सुधार के लिए भी जताई प्रतिबद्धता। प्रदर्शनकारियों को माफी देगी ईरानी सरकार, 22,000 लोग रिहा होंगे, वहीं विरोधी बोले ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की साजिश। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर तनाव, सैकड़ों माइग्रेंट्स कांटेदार तार हटाकर पुलिस से भिड़े, नए ऐप सर्विस से दिखे नाराज। बखमूत को लेकर यूक्रेनी जनरल का बड़ा बयान, कहा रूस के युद्ध की सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई में हताहतों की संख्या बढ़ रही है। रूस के यूक्रेन जंग के बीच आईसीसी का बड़ा फैसला, यूक्रेन पर आक्रमण से जुड़ा पहला गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा आईसीसी। कनाडा में ट्रक की टक्कर में दो राहगीरों की हुई मौत, हादसे में 9 हुए घायल, हादसे को लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नोकिया का सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, नोकिया C12 में 6.3 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ मिलेगा एंड्रॉइड 12 प्रोसेस। फोर्ब्स की बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में शामिल TCS अमेरिका में टाटा के 45,000 से अधिक एम्प्लॉयर्स। अगले साल लॉन्च होगा इसरो का गगनयान मिशन, केंद्रीय मंत्री ने कहा अंतरिक्ष में महिला रोबोट व्योममित्र भेजी जाएगी। ₹99 में बिकी सिलिकॉन वैली बैंक की यूके यूनिट HSBC ने खरीदा, ब्रिटेन के मंत्री बोले बिना टैक्स पेयर से किया जाएगा सपोर्ट। ओप्पो का फाइंड एन टू फ्लिप 5G स्मार्टफोन लॉन्च, फोल्डेबल फोन 3.62 इंच के कवर डिस्प्ले के साथ मिलेगा HD डिस्प्ले। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स से सरकार ने की मोटी कमाई, 9 महीने में सरकार को मिले 5.45 लाख करोड़। डेट म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने निकाले 13,815 करोड़, गेल देगी ₹4 प्रति शेयर का लाभांश। मूडीज ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को दिया बड़ा झटका, सिग्नेचर बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड कर जंक में डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, बोले सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट्स का पैसा सुरक्षित है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जताया भरोसा, कहा भारत इस साल $750 अरब के निर्यात के आंकड़े को पार करेगा। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, कप्तान कमिंस दूसरे टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया लौटे थे, स्मिथ करेंगे टीम को लीड। विराट कोहली के लिए 5वां टेस्ट मैच बना यादगार, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने के मामले में रचा इतिहास।
वनडे वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई फॉर्मेट को अलविदा कह सकते हैं। मोइन अली टी20 फॉर्मेट में ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। पैट कमिंस की नहीं होगी भारत वापसी, स्टीव स्मिथ ही संभालेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी। श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की वनडे टीम का ऐलान, केन विलियमसन टीम सऊदी सहित कई सीनियर खिलाड़ी बाहर। भारतीय टीम में गुटबाजी को लेकर युजवेंद्र चहल का बड़ा बयान, बोले ये क्लब नहीं है, इंडिया की टीम है। डब्ल्यूपीएल में 6 विकेट से जीती दिल्ली, बेंगलुरु टूर्नामेंट में लगातार 5वां मुकाबला हारी, जिसे जेना सिन ने लगाया विनिंग शॉट। भारत लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल में, जून में ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला, श्रीलंका की हार का फायदा मिला। रोमांचक मुकाबले में आखिरी बॉल पर जीता न्यूजीलैंड, पहले टेस्ट में श्रीलंका को 2 विकेट से हराया, केन विलियमसन ने जड़ा शतक। विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, तीनों फॉर्मेट में 10 से ज्यादा बार ये अवार्ड जीतने वाले अकेले क्रिकेटर बने। मणिकर्णिका के बाद काम नहीं मिलने पर बोली अंकिता लोखंडे, कहा उन लोगों में से नहीं जो जाकर काम मांगे। मराठी एक्ट्रेस भाग्यश्री की बहन मधु मारकंडे की संदिग्ध हालत में मौत, चेहरे और गले पर चोट के निशान। कंगना रनौत ने की दीपिका पादुकोण की तारीफ, बोली शालीनता और आत्मविश्वास से बोलना भारतीय महिलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। गोवा के बीच पर यह मोहब्बतें फ्रेम, कृष्णा मुखर्जी ने रचाई शादी, पहले बंगाली फिर पारसी रीति रिवाज के हिसाब से हुई शादी। भीड़ को देशद्रोही फिल्म कहे जाने पर भड़के पंकज कपूर, कहा एक टीजर देखा और ये पॉलिटिकल हो गई। दीपिका पादुकोण का वर्कआउट वीडियो हुआ वायरल, 6 बजे जिम में एक्सरसाइज करती दिखी एक्ट्रेस। उम्रा करना चाहती है राखी सावंत, रोजा रखेंगी, बोली वीजा के लिए जामा मस्जिद से एफिडेविट बनवा रही हूं। शाहरुख खान है देश के सबसे पॉपुलर स्टार, सलमान दूसरे जबकि अक्षय तीसरे पर, फीमेल स्टार्स में आलिया ने दीपिका को पछाड़ा। उर्दू को लेकर जावेद अख्तर का बड़ा बयान, बोले उर्दू पाकिस्तान की नहीं भारत की भाषा है। शाहरुख ने सिक्स पैक एप्स के लिए की कड़ी मेहनत, पठान के दौरान किया जबरदस्त वर्कआउट, हैवी वेट ट्रेनिंग से बनी मस्कुलर बॉडी। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।